हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो यार आज हम लोग बात करेंगे पोशंपा मूवी के बारे में। तो यार ये मूवी के बारे में तो हम लोग हमेशा बात करते हैं, वो बात करेंगे ये मूवी जिस इंसिडेंट पे बेस्ड है, जो सच्ची घटना है, आज उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी ये एक ऐसी इंसिडेंट है हमारे जो इंडिया में हुआ था, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बहुत पर्सनली अपसेट हो गया सब चीज सुनकर, और मैं बहुत ही इमोशनल इंसान हूँ, तो मुझे बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव है। तो बेसिकली ये कहानी ये है कि कोल्हापुर में रहने वाली तीन औरतें, उसमें से एक माँ है यानी कि अंजना गवित, और उनकी दो बेटी रेणुका गवित और सीमा गवित, ये तीनों कोल्हापुर में रहती थी। अब अंजना गवित की बात करो यानी कि जो माँ है उसकी बात करो तो ये चोर थी, पॉकेट मार थी, छीना झपटी करती थी, और इसके ऊपर काफी अनगिनत केसेस थे। तो ये चोरियां तो करती थी और साथ साथ अपनी बेटियों को भी लेके करती थी चोरियों का। एक दिन इसे एक बच्चा मिलता है, वो बच्चे को क्यों मारते हैं वो सब आप मूवी में देख सकते हो। तो बच्चे को लोग बहुत बेरहमी से मारते हैं। इन लोगों का तरीका था बच्चों को मारने का, या तो ये लोग बिजली के खंभे से सर फोड़ देते, सर पटक पटक इनको फोड़ देते थे, या तो जमीन पर सर पटक के फोड़ देते थे, या तो फिर उनको पानी में डुबा के मार देते थे। और जब पुलिस ने इन लोगों को पकड़ी थी तो तकरीबन इन लोगों ने 42 बच्चों को यानी 42 बच्चों को मारे थे। और ये बच्चों की एजेस होती थी 8 महीने और 4 साल के बीच के, जितने बच्चे होते थे बस उन लोगों को टारगेट बनाते थे और उन लोगों को ही मारते थे। और ये केस पुलिस के सामने क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जितने भी बच्चे उठाते थे ये मोस्टली स्लम्स के होते थे, या तो गरीब, बहुत ही गरीब जो पुलिस वाले थे उस टाइम पे वो लोग समझ नहीं पाते थे, क्योंकि जितने भी बच्चे थे सारे के सारे गरीब घर के थे, तो कोई इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता था। और फाइनली एक्शन तब लिया गया जब कोल्हापुर के बस स्टैंड पे एक बच्चे की लाश मिली, और लाश मिलने के बाद एक चश्मदीद ने देखा कि कुछ औरतें थी, फिर वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और कैसे इन लोगों को पकड़ा गया, ये सब तो बहुत बड़ी कहानी है। मैं आपको इतनी बड़ी कहानी तो बता नहीं सकता, बस इतना बताऊं कि ये तीनों लोग थे मानसिक तौर पर बीमार थे मेरे हिसाब से, तो वरना इतनी हैवानियत तो कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता, वो भी औरत होके बच्चों को मारना, बोले तो मासूम बच्चे जो जिनको देख के हमको प्यार आया था, उन लोगों को इतनी हैवानियत तरीके से मारे, आप सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक इंसिडेंट इन लोगों का बताना चाहोगे, एक भावना नाम की एक लड़की थी तकरीबन 8 या 9 महीने की थी, उसको तो उन लोगों ने मारे तो मारे, उसके बाद उसे थैली में डाल के प्लास्टिक बैग में डाल के साथ सिनेमा हॉल लेके गए और अपने पैर के पास रख के तकरीबन 3 घंटे वो लोग फिल्म देखे और बच्ची की लाश उनके पैर के पास पड़ी थी। बाद में फिल्म देखने के बाद वो लोग उस बच्ची की लाश को उठा के उसी सिनेमा घर के टॉयलेट में रख के वहां से निकल गए। ये उन लोगों की मानसिक जो उस टाइम पे स्थिति थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, सोचो। ये इस तरीके की दिमागी बीमारी, बीमार थे सब औरत ये तीनों। ये लोगों को अभी तक फांसी नहीं हुई है, और ये हमारे इंडिया की पहली औरतें थी जिन लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन आज तक के इन लोगों को फांसी नहीं हुई है। उनकी माँ तो जैसे कि मैंने बताया कि जेल में ऑलरेडी मर चुकी है, और दोनों बेटियां आज तक जिंदा है, और आज तक उनको सिर्फ फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन आज तक फांसी दी नहीं गई है। तो इस पर उन लोगों ने अपील किए थे कि हमको फांसी की सजा ना देते हुए हमको उम्र कैद की सजा दे दो, क्योंकि जब से इनको फांसी की सजा हुई है 2001 से इनको सजा सुनाई गई, तब से वो लोग हर दिन मर रहे हैं वो चीज को सोचकर। तो वो लोग अपील के, लेकिन प्रेसिडेंट ने इनकी जो अपील थी वो खारिज कर दिए थे, और उसके बाद अभी भी इनका केस जारी है, मतलब अभी भी इन पर ना फांसी हुई है ना उम्र कैद का कुछ थप्पा लगा है। तो अब वो तो आगे ही पता चला है कि इनकी क्या सजा मिलती है। लेकिन आप लोग की क्या राय है कि इन दोनों जो बेटियां हैं, जो बच्ची सीमा गवित और रेणुका गवित, इन लोगों को फांसी होना चाहिए या उम्र कैद, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब बात करते हैं हम लोग पोशंपा मूवी के बारे में। तो यार पोशंपा मूवी के बारे में इतना बताऊं कि मुझे पर्सनली अच्छी लगी मूवी। अच्छा, इस मूवी की लेंथ है लगभग 1 घंटा 16 मिनट की। इस मूवी में जैसा कि मैंने बोला कि वही कोल्हापुर सीरियल किलिंग के बारे में हमें बताया गया है। इस मूवी में थोड़ा डिटेल में ये बताया गया, दोनों बहन जो अब जेल में है उन लोगों से रिपोर्टर किस तरीके से बारी बारी पूछते हैं, वो अपनी लाइफ के इंसिडेंट बताते हैं, कैसे उनकी माँ के साथ उन लोगों का रिलेशन था और कैसे उनकी माँ बिहेव करती थी उन लोगों के साथ, प्लस उन लोगों ने किस तरीके से खून किए और वो वजह क्या थी, वो सब कुछ हमें इस मूवी में बताया गया है। तो कुल मिला के ये मूवी अगर आप लोगों को देखनी तो आप लोग इसको देख सकते हो। मेरे को तो ये मूवी ठीक ठाक ही लगी, अच्छी लगी। मूवी की लेंथ ज्यादा ना होने की वजह से ये मूवी मस्ट वॉच जरूर है। महेश भाई, मुझे सयानी गुप्ता का परफॉर्मेंस अच्छा लगा, रागिनी खन्ना का अच्छा लगा, माही गिल का भी अच्छा लगा, बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे अच्छा लगा,
कुल मिला के लोकेशन अच्छे थे, तो मुझे तो पर्सनली अच्छे लगे। इस तरीके की जो ट्रू इंसिडेंट बनी फिल्म है मुझे ज्यादा पसंद आती है, लेकिन बशर्ते उसमें सच्चाई बताई गई हो। तो अगर उसमें फिक्शनल डाल देते तो उस चीज का मजा खत्म हो जाता। तो मुझे पर्सनली अच्छी लगी और मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग जरूर देखना। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, और आपको जो मैंने कोल्हापुर सीरियल किलिंग के बारे में जो आपको मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की गई, आपको कितना हद तक समझ में आया? अगर आप ऑलरेडी इस बारे में जानते थे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। अगर आप ये मूवी देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसको जरूर ZEE5 ऐप पर देख सकते हो। तो यार इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का टाइम मैंने ज्यादा वेस्ट किया हो तो मुझे माफ कर देना। मैं आपसे कल किसी नए वीडियो में, टिल देन।